हाय फ्रेंड्स, आज का फिर से नया क्लास प्रोनाउन का, जो कि प्रोनाउन के चारवें काइंड्स एंड पांचवें काइंड पढ़ेंगे आज हम लोग। और इससे पहले जो क्लास में पढ़े थे नाउन और नाउन का जो है पहला भाग, दूसरा भाग एंड तीसरा भाग पढ़ चुके थे, आज चौथा एंड पांचवा भाग पढ़ेंगे प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन क्या होता है एंड क्या बोलते हैं प्रोनाउन के प्रकार जो हैं वो क्या हैं, इससे हम पढ़ेंगे आज। क्या है आज प्रोनाउन का जो चौथा भाग है हमारा, इम्फैटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आज के क्लास हम लोग का यही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो देखिए, आज का क्लास है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन किसको कहा जाता है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, यानी जो जिस प्रोनाउन का यूज़ उसी पे निर्भर हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, यानी कि उल्टा उसी पर प्रभाव पड़ जाता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि पिछले क्लास मैंने पढ़ा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके सब वीडियो देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब किसी नाउन पे जोर देने के लिए, किस पे जोर देने के लिए, किसी नाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि नॉन हो या प्रोनाउन हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब किसी नॉन या प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए, जोर देने के लिए किया जाता है, तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सॉरी उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नॉन या प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है, उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे क्या है, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, क्या करने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए, क्या करने के लिए, जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो जैसे एग्जांपल क्या हो इसमें, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। आई, यहाँ पे आई है, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है ना। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, माई क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नॉन या प्रोनाउन को जोर देने के लिए, किसी नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया, तो उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद टाइगर को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा, है ना। तो क्या अपने खुद पे ऊपर कह रहा है कि नहीं, मतलब नॉन पे जोर दे रहा है ना, मैं नॉन यानी प्रोनाउन पे जोर दे रहा है, आई पे यहाँ पे जोर दे रहा है कि नहीं, जोर दे रहा है ना आई पे, मैंने खुद टाइगर को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। तो इस पर किस पे जोर दे रहे हैं हम, प्रोनाउन पे जोर दे रहे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन पे जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। यानी कि आई पे जोर देने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया, इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। आगे, सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उसने उसे खुद पसंद किया, उसने उसे खुद पसंद किया, तो किसने पसंद किया, सी, है ना। तो सी को ज़्यादा खाने के लिए हर सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, हर सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं, हर कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किसी प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जाता है, किसी प्रोनाउन पे जोर देने के लिए करेंगे, उसको कहा जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। अब क्या है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम इसे खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद कर सकते हो। तो यू हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन पे जोर देने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया, है कि नहीं। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन पे हमने जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया। जब किसी प्रोनाउन पे जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, उसको कहा जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। अब क्या, सी हर सेल्फ रोट दिस, उसने अपने लिए यानी खुद लिखा, उसने इसे खुद लिखा, यानी ये कह रहे हैं यहाँ पे, सी हर सेल्फ रोट दिस, उसने उसे खुद लिखा। तो यहाँ पे सी है, सी प्रोनाउन है, प्रोनाउन को जोर देने के लिए हर सेल्फ यूज़ किए, तो ये हमारा हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। तो क्या था इम्फैटिक प्रोनाउन, जब किसी नॉन या प्रोनाउन पे सेंटेंस में, किस में, सेंटेंस में, जब किसी नॉन या प्रोनाउन पर
जोर देने के लिए, क्या करने के लिए, जोर देने के लिए किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसको कहा जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। जरा बताइए कि आपको ये जो है इम्फैटिक प्रोनाउन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आगे क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग सूचित या निर्देशित करने के लिए, यानी किसी चीज को सूचित करना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, सूचित करना, निर्देशन देना, निर्देश देना, आदेश देने के लिए क्या जाता है, या सूचित करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए क्या जाता है, किसी चीज़ को इंगित करने के लिए कहा जाता है, तो उसी को कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी चीज़ को इंगित करने के लिए, निर्देश देने के लिए, सामना बताने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट प्रेफर, इट कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। क्या कह रहे हैं हम? अच्छा, सूचित करेगी नहीं, उसको निर्देश दे रहे, बता रहे हैं ना, यह एक लड़का है। कहेंगे दिस इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है, तो इसको बता रहे हैं, यह निर्देश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे या नहीं दे रहे? यह एक मार्कर है। क्या? यह एक मार्कर, निर्देश दे रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया दिस। अब कहेंगे दैट इज ए बॉय, वो एक लड़का है, तो दैट जो आ रहा है यहाँ पे निर्देश करने के लिए क्या यूज़ किया, दैट और दिस, तो दैट और दिस जो आ रहा है वो हमारा हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दैट इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, दीज आर बॉल्स, ये गेंद हैं, ये गेंद हैं, दीज आर बॉल्स, ये गेंद हैं, दिस इज बोर्ड, दिस इज वाइट बोर्ड, दिस इज व्हाइट बोर्ड, यानी कि व्हाइट बोर्ड को निर्देश देने के लिए, व्हाइट बोर्ड को बताने के लिए हमने दिस का यूज़ किया, दिस इज व्हाइट बोर्ड, तो दिस यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखो, जैसे होता है क्या कि दिस और डैट के बाद डायरेक्ट नॉन यूज हो जाता है, कहीं कहीं पर होता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, बट क्या अगर दिस और डैट के बाद डायरेक्ट नॉन नहीं यूज़ हो रहा है तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि दिस और डैट के बाद डायरेक्ट हमारा क्या यूज़ हो जाता है, नॉन, तो हो जाएगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जब दिस डैट दिस दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नॉन प्रयुक्त है, यानी इसके बाद डायरेक्ट हम नॉन का यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस बुक इज मैन, तो यहाँ पे बुक हमारा नॉन है, बुक नॉन है कि नहीं, तो बुक से पहले क्या यूज़ किए हैं, दिस, तो दिस के डायरेक्ट वर्ड बुक यूज किया है ना, तो यहाँ पे दिस जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव में रहेगा, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन नहीं रहता, यहाँ पे नॉन नहीं रहता, दिस दिस इज रहता, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक रहता, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो समझ में आया कि नहीं? अगर दिस दैट दिस दोज इत्यादि के बाद अगर कोई नॉन नहीं है, इज एम आर जो भी है, या फिर वॉज वेयर है, तो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या फिर अगर दिस दैट दिस दोज इत्यादि के बाद डायरेक्टली नाउन है, क्या डायरेक्टली नाउन है, तो वो हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज का क्लास क्या था? एम्फैटिक प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड एम्फैटिक प्रोनाउन का और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो है इसका जो पिछले वाला वीडियो जो भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड कन्वर्सेशन क्लासेस का भी होता है यहाँ पे, हम जो है स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड जो भी होता है सब करवाते हैं, तो आप जो है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है देख सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे होता है ख़त्म।